वेलकम बैक टू माय चैनल बिपनिक लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमारी तो हालत बहुत ख़राब है, बहुत गर्मी पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना इतना धूप हो रहा है। और हम लोग ना अभी तीन की 3:30 बज रहा है, हम शादी में जाने के लिए तैयार है, और हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ बहुत गर्मी है। तो फिर हम लोग शादी में भी नहीं गए क्योंकि यार बहुत गर्म है, माधव को लेके मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फिर वहाँ पे ना पंखा भी सही ढंग का नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी अच्छा है नहीं माधव के लिए। तो हमने सोचा चलो यार शाम को ही जाएंगे आराम आराम से। और ये देखो गाइस, ये जो है ना मेरी मम्मी ने लिया है मेरी बहन की, मतलब कि मेरी भाई की वाइफ के लिए ये बिछुए, और एक जो है ना ये सिंदूर लगाने वाला है, बहुत अच्छा सा है, प्यारा सा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। मुझे भी एक चाहिए क्योंकि मेरे को भी सिंदूर लेना है, मुझे मतलब सिंदूर के लिए भी लेना है, और एक सिंदूरदानी भी लेना है क्योंकि मेरे पास है नहीं, सारे ख़राब हो गए हैं। तो एक चांदी का मैं सिंदूरदानी ले लूँगी। और देखो आज ना मेरे पापा ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग पीछे बैठे हैं। मेरा भाई गया था पानी लेने के लिए और साथ साथ माधव के लिए बिस्किट, तो माधव क्या खाएगा यही खाया जा रहा है। और ना शादी में हम लोग पहुँच गए थे और शादी में देखो ये इतना इंजॉय कर रहा था ना, पहले तो ये मतलब डांस कर नहीं रहा था, डर रहा था, थोड़ा थोड़ा डांस करके नीचे आ जा रहा था, फिर धीरे धीरे डांस करने लगा और बहुत अपने आप को इंजॉयमेंट फील करने लगा। क्योंकि ना ये पहली बार ही है इसके लिए, मतलब बचपन में है लेकिन ये समझ तो पहली बार रहा है ना, तो इसलिए ये सब इसके लिए पहली बार है। देखो साइड में आरब भी खेल रहा है, उसका बड़ा भाई, और ये छोटू सी एक लड़की, ये भी डांस कर रही थी। तो यहाँ देखो ये बार बार ना नीचे बैठ जा रहा था। आदर्श बच्चों के जैसा नहीं है माधव, ये एकदम अपने में मगन रहता है। दूसरे बच्चे डांस कर रहे हैं, ये पता नहीं नीचे पत्थर बीनेगा, कबाड़ बीनेगा, यही है इसका। तो फिर देखो यहाँ पे धीरे धीरे ये एडजस्टमेंट होने लगा है इस गाने में, मतलब डीजे में। और फिर हम लोगों ने ना जैसे तैसे इसको थोड़ा सा डांस करवाया, और बहुत गर्मी हो रखी थी गाइज, बहुत ही ज़्यादा। फिर माधव थोड़ा थक गया था तो फिर हम लोगों ने इसको गोद में ले लिया है। और यहाँ की शादी मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे जीजू, फिर दीदी, सब लोग होते हैं, भाई भाई बहन सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ का जो शादी होता है ना मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब कहा जाए तो मेरा फेवरेट वाला शादी है इस जगह में, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग होते हैं मेरे मनपसंद वाले। तो अभी जो है ना हम दो बहनें जा रहे हैं डांस करने के लिए, तो हमने सोचा चलो यार डांस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हमने भी थोड़ा बहुत डांस किया यहाँ पे। और तो वैसे बहुत गर्मी हो रही थी, मन तो नहीं हो रहा था कि हम डांस करेंगे करके, तो लेकिन इतना मज़ा आ रहा था ना कि चलो यार थोड़ा सा हम डांस कर ही लेते हैं। जब हम बहनें सब इकट्ठे होते हैं ना, मतलब हम लोग सब भूल जाते हैं, पति पत्नी सब भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बहनों में इतने मगन रहते हैं ना, बहुत इंजॉय करते हैं हम बहुत ही ज़्यादा। और अभी बहुत गर्मी लग गई है तो मैं आ गई हूँ अभी बैठने के लिए, इतना खतरनाक गर्म लग रहा था ना, तो मैंने जितने में फाउंडेशन लगाया था वो देखो इस हैंकी में लग गया है। तो मैं यही आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो मेरे मुँह से ना फाउंडेशन निकल रहा है कैसे, और मुझे लग रही है गर्म, मेरे पास अभी बालों में बांधने वाला कुछ है भी नहीं। तो फिर मैंने ना पति से हैंकी मांगा एंड इसको रोल किया और घुमाया, बस बालों को इकट्ठा किया, और नाइस, बहुत अच्छा एक बैंड बन के रेडी हो गया है। ये देखो अब तक गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो मैं अपने भाई को बोल रही हूँ देख दिमाग, देख बढ़िया वाला दिमाग, औरतों का ना इन सब चीज़ों में ही दिमाग होता है। और यहाँ पे ना ये जो आंटी थी ना, ये सामने दो बच्चे बैठे थे इनको डांट रहे थे, और यहाँ पे देखो ये मेरे जीजा है एंड ये छोटी सी एक मेरी सिस्टर है। और माधव को इतना गर्मी लग गया था ना, तो फिर हमने इसको ना फिर यही बनियान में और डाइपर में ही नचवाया, क्योंकि देखो ये घर की शादी है तो उतना मतलब वो होता नहीं है। और जब ये डांस कर रहा था तब लोग कोई भी नहीं था, बहुत रेयर लोग थे जो मतलब रिलेटिव वाले ही लोग थे, इसलिए फिर मैंने खोल दिया। और अभी छोटा बच्चा है, उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि यार गर्मी बहुत हो गई है, तो इसलिए ना मैंने उसका ड्रेस खोल दिया था। आप लोग प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना क्योंकि छोटा बच्चा है वो, और गर्मी बहुत हो गई थी। अब मैं रिलेटिव देखूं, रिश्तेदार देखूं, या फिर मैं अपने बच्चे का गर्मी देखूंगी, ये बताओ पहले कमेंट में ज़रूर बताना कि एक माँ को क्या करना चाहिए।
तो फिर अभी सुबह हो गई है, नेक्स्ट डे देखो ये दोनों भाई बहन लड़ने में ही मस्त रहते हैं। पता नहीं क्यों इतना लड़ता रहता है ये लड़का, मैं तो एकदम परेशान हो जाती हूँ इस लड़के को लेके। और आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी के लिए बाय बाय।